माड़ा टाइम किस्पा दे दे किस्पा याद हो हम तो अपना ही सोमा भाई बेरन भगवान ने ई दा तम ता जोड़ शुक्रिया करे भाई किसी प्लेयर का ना प्लेयर माड़ा जी भी हो जी चोट लाग जे वो रात न उठ के कोई प्लेयर नहीं खांदा भी ना ओए उसे टाइम आम आदमी खाओ उसे टाइम प्लेयर खावा है भाई एक खान का डाइट का अलग अलग हो जाए प्लेयर बस चोट ते माड़ा हुआ जितने भी अपने यार दोस्त है ना भाई जिसके लिए लाई है दिलो लाई नहीं अपने किसी के लिए कोई नहीं आप यार इतने अपने तो बस दस बारह यार अपने बड़ी हैं जिनके लिए बड़ी आना जाना कर लग बहुत दिया शुक्रिया तेरा जितना दे दिया पूजो कबड्डी ने कति पर पूरी दिल ते कदे कबड्डी तो नहीं कदे धोखे वाली आज लग भाई यू रिकॉर्ड अब ना कदे कबड्डी के लिए धोखा करें ना कदे करेंगे मेरे पापा भाई मैं छोटा सा जीवे गुजर गया था वैसे तो मैं 4 साल का था पर मेरे पापा की ख्वाहिश थी हमारे घर के वो मेरा बेटा पहलवान बना मैं भी किसान परिवार से हूँ हम भी इस किसान आंदोलन का बिल्कुल सब क्या है साथ में हाँ अपना भाई राहुल रोगड़िया कैमरामैन प्रवीण बोपर रवि रिंकू काला राम राम भाई सारे भाई ना मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया राहुल कबड्डी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज आप हरियाणा प्रदेश के भारी भरकम शरीर जिस खिलाड़ी का यानी आपके उसके साथ मुलाकात करवाएंगे कबड्डी ग्राउंडों में। इस खिलाड़ी को जोगी के नाम से भी जाना जाता तो पहलवान जी एक बार राम राम कर दियो। राम राम भाई सारे भाई जो वीडियो देख रहे सारे भाई राम राम। हाँ तो पहलो ने एक बार परिचय और दे दूंगा आपका गांव गुआंड जिला तहसील नाम पूरा नाम के है। नाम मेरा रवि देसवाल है गांव मतलोडा है तहसील भी मतलोडा है जिला पानीपत है। अच्छा पहलो तो परिवार के बारे में और थोड़ा हाँ बताइए। परिवार में भाई भाई है वो दिल्ली पुलिस में लाया भाभी है वो भी दिल्ली पुलिस में है मम्मी पापा मेरे एक्सपायर हो रहे हैं मेरी मेरी वाइफ है एक मेरा बेटा है अरविंद देसवाल। बेटा कद हो जाए 24 मार्च में होया था भाई 2021 तो आपको भी बहुत बधाई हो। थैंक यू भाई। तो सपोर्ट किसी रही पलवन परिवार की? भाई सपोर्ट बढ़िया थी परिवार की घर के चाहों थे प्लेयर बने शुरू ते छोटे ही ते सपोर्ट पूरी थी घर के। फिर यो शरीर इतना पलवन के राज इस शरीर का? भाई शरीर का राज तो के अभी खाना पीना घर का शुरू ते बढ़िया था मेरे पापा पहलवानी की उसते दिल्ली पुलिस में लग गया था भाई। अच्छा हमारी मतलब तीसरी पीढ़ी लग रहा। हाँ तीसरी पीढ़ी चल रही हमारी पहलवानी की भाई दादा मेरे दादा भी उसमें लग गया था फौज में लग गया था खेल के कुश्ती की उसते लग गया। मेरे पापा भी कुश्ती उसते लग गया था तो आपने भी पहलवानी तो? हाँ शुरू में मैंने भाई 1999 में मेरी निडानी चला गया था 2006 लगे रहा मोड फिर उसके बाद फिर गांव में आ गया था फिर मैं 1 साल छारा खाड़े में रहा। खाड़ा है छारा। हाँ फिर उड़ा को बातचीत सी मारी हो गई थी थोड़ी सी फिर मैं घर आ गए थे हम घर तो फिर गांव में बाल कबड्डी खेल लिया करते फिर वह कबड्डी उनके लिए कबड्डी खेलने लगा शरीर भारी था। हाँ गेम कुश्ती कराया करते भी शरीर वजन शुरू थे था अपने में कुश्ती कबड्डी मड़ा टच गेम है प्रैक्टिस। हाँ हाँ तो आज पूरा हरियाणा में पूरा भारत में किसान आंदोलन चला हुआ सर उसके बारे में मतलब सरकार तो क्या कहोगे? सरकार की यह बहुत माड़ी नीति है बहुत दुखित नीति अपना रहे हैं एक गुंडा राज अपनाना चाह रहे हैं हर एक आदमी ने अपने तला दैब कर रखना चाहे बिल्कुल सर। तो ईसा काम होने देंगे मैं भी एक किसान परिवार से हूँ हम भी इस किसान आंदोलन का बिल्कुल सब क्या है साथ में किसान आंदोलन के साथ हो आप गए भी हो? हाँ मैं गया भी कल भी मैं उड़े दिल्ली था सिंधु बॉर्डर पर जा रहे थे हम कल भी थे कल भी उड़ते आए जा रहे थे मेरा कल भी। हाँ तो एक नाम बोल रहा हूँ पहले उसका बारे में दो तीन अच्छाई एक कमी बतानी है काला रिगड। काला रिगड भाई बढ़िया इंसान है। अच्छा हाँ बर्तन का आदमी है। हाँ हाँ कदी तो कमी कमी तो भाई कमी तो नहीं है छोटी मोटी सब में हंसी मजाक में बस हम एक दूसरे के लिए बस कमी तो कुछ कह नहीं सकते खर उसने हम एक दूसरे के लिए बस नहीं कह सुनी हम कह ग्राउंड के बीच में गाली देने लग जाए आपस में। अच्छा अच्छा मारा यू भी है। हाँ चलते मैच है
रूस भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, चलते मैच में हम लड़ भी पड़े हैं, बह रहे फिर कट्ठे एक के रहा मैच तो बह रहे तो मैच का थोड़ा हाँ मैच कई बार मैच ना कैच मारते हुए मैं गाली भी दे दी उन तब फिर इन्यू कौन वो आगे तो उल्टे बोल क्यों आप हूं तो सीनियर है भाई सारे जने कट्ठे खेल हम लड़ प्यार भी अपना घर लगा कहते नहीं पूरा अपना लड़ प्यार है प्रवीण बोपर प्रवीण बोपर भी बड़ी आदमी कमी तो क्या है भाई तो बस ना एक तो है प्रैक्टिस प्रुक्टिस घट कराया करता भैया एक इसकी भाई और तो कुछ नहीं जाने भाई न्यू है मैच उठ के मैच खेलने चल पड़े आदम मैच में प्रैक्टिस कराया करता ये प्रैक्टिस करने लग गया बस ये जे कैच लग जंदी फिर तो आप नो कंधे पे तो प्रैक्टिस कौन करता नो कौन करता हां नहीं तो अगला भी खेल लियो का देता तने नंबर का मतलब है हां चलो करू ना करू हां न्यू बात थी भाई मैं मजाक में एक दूसरे के लिए पूरा कराया करते भाई अच्छा अच्छा हां भैया तो रिंकू क्यों डक पहले माई रिंकू मामे हरियाणा में जिस टाइम मैं गांव ने छोड़ गया मैं जीरकपुर रहने लग गया था ना 2011 में जीरकपुर चला गया था भाई तो उस टाइम जीरकपुर तो मैं क्योड़क में मैच खेलने आया था उस दिन तो लेकर आज लगे मारी ओए है यारी यारी भाई हाँ न्यू कोनी अगर अच्छे टाइम में गेल लिया माड़े टाइम में गेल ओ काम कोनी मारा दुख में भी गेल तो सुख में भी गेल घर लगा पूरा है जितने भी अपने यार दोस्त है ना भाई जिस गेले लाई है दिलो लाई नहीं अपने किसे गेले कोई नहीं आप यार इतने अपने तो बस 10-12 यार है अपने बड़ी हैं जिन गेले बड़ी आना जाना घर लगा सारे ने फैमिली गेले आना जाना अपना जिस गेले लाई हाँ पूरी लाई भाई अच्छे टाइम में भी दुख में भी सुख में भी सारे ने गेले खड़े भाई पीछे काले चोट लग गई जिबी भी भाई सारे डाल खड़े कोई दिक्कत नहीं काले तो भी कह दिया था जुगर भी तेरा दिल करा भाई कोई दिक्कत नहीं बताए थे भाई हाँ क्यों भगवान भाई मेरे ने माड़ा टाइम किस पर देता है किस पे या तो हम तो अपना ये सोम भाई मेरे भगवान ने की दाता हम तो आज जोड़े शुक्रिया करा भाई किसे प्लेयर का ना प्लेयर माड़ा जी भी अजीब चोट लग जाए वो रात ना उठ कर कोई प्लेयर नहीं खाता भाई वो उसे टाइम आम आदमी खा उसे टाइम प्लेयर खावा है भाई एक खान का डाइट का अलग अलग हो जाए प्लेयर बस चोट तो माड़ा हुआ है चाहे माड़ा खेल जो 10 दिन पीछे हट के तगड़ा हो जाएगा चोट ना लागो किसी प्लेयर का भगवान चोट सारी कमी फिर से दो एक चोट में ले बाई चांस भगवान ना करे किसी प्लेयर चोट लग जाए वो 2-3 महीने बैक चले गया और रिकवरी नहीं होती शायद सी एक पैसा नहीं प्लेयर तो कबड्डी वाले दौरे किस दौरे इतना कर पिया है वो घर का खर्चा भी चला देगा अपना और चोट भी सिमाण लगा बहुत कम प्लेयर बहुत कम इसमें मैं तो चले भगवान से शुक्रिया करूं भाई मैं कदे इतना सोचा नहीं था कबड्डी ने मेरे तक इतना दे देगी जितना मेरे तक दे दिया कबड्डी ने आज तक के दिया है इज्जत प्यार पैसा भाई सब कुछ दिया अच्छा कुछ नहीं छोड़ा माँ खेल कबड्डी ने फिर आप किस दर्जा किस दर्जा का देखो भाई मैं तो अपनी लाइफ का सब तमीन दर्जा इसका मेरा पीसा भी दिया भाई बैर जहाज में बिठाया दिए भाई 4 आदमियों में इज्जत भी कराया दी 10 आदमी चलते राम राम भी कर रहे हैं विदेशों में घुमा दिए सारे देश घूमया भाई को कसर नहीं छोड़ी लोग 40-40 लाख रुपए लेकर अमेरिका जावा मैं 1 रुपया लेकर जाते टिकट भी अगले भेजे हर चमन मर्जी उल्टे घर आया जाए फिर जो 2 नंबर में जाओ 40 लाख लेकर भी आते भी नहीं सच घर क्या ना भी नो डर है मौत हो जाएगा दे बेटा यो भी तो और इससे ज्यादा कबड्डी के दे देगी भी मरता है ना मां तो भी भगवान कर रहा है तने शुक्रिया करके सो ए भगवान इतना दिया तने बहुत दिया शुक्रिया तेरा जितना दे दिया पूजो कबड्डी ने कते बार पूरे दिल ते कदे कबड्डी ते नहीं कदे धोखे वाली आज लगे भाई यू ए रिकॉर्ड आ ना कदे कबड्डी के लिए धोखा करे ना कदे करेंगे ना कदे मैच सहज सी कदे मैच साझा करके मैं खेल लिया ना मैं खेलता कदे मैं अगर किसी टीम ने कर भी लिया तो मैं ग्राउंड में जाऊंगा उस मैच में ये सूल है मेरा जद इतना दे दिया पहले फिर उस गल धोखा दाड़ी तो ना आप यू सूल है अपना अगर किसी ने कह देने भाई एक यू मैच है इब की बात इस सीजन की बताऊंगा तेना मैं इस सीजन में दताला में खेल रहा मारा मैच आड़ था मोगे दौरा मैच था भाई
गांव की टीम में ठीक टीम थी जो ठीक के बने थे गणित तगड़ी विन थी भाई अरे कुदरती हम फाइनल मैच आ रखे गांव की टीम था तो बोलिया गांव वाले आ गए मैं तो मैच साझा कर रहे ठीक मैं बोलिया मका तने किस उसमें लग गया तुम इतने तगड़े प्लेयर तुम गांव तैर गए मैं चल तेरी बात बढ़िया मैं गए मका ये गांव वाले प्लेयर बुला ले सारे हाँ। मारे गेला रही है हाँ। अगर हम कोई आदमी कोई प्लेयर एक भी प्लेयर नहीं कहता नहीं अगर मैच साझा कर रहे थे तो जिंदगी में कबड्डी नहीं खेलूंगा भाई मैं मेरा एक सूल है जिंदगी का ग्राउंड में बढ़ गया कदे मैच साझा करके नहीं खेलता मैं बिल्कुल जिंदगी मैंने जिंदगी में कदे भी कोई भी मैच आप साझा करके नहीं खेलता मैं अपना रूल मैं ग्राउंड में नहीं जाऊंगा अगर कोई जिसमें टीम में खेल रहा कर भी लिया ना फिर मैं ग्राउंड में नहीं जाऊंगा मैं भाई तुम खेल लो मैं नहीं खेलता फिर धोखाधड़ी वाला काम भाई बेईमान जी इस चीज ने यार अपने गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल पीसा सब कुछ दे दिया टूर मरा दिए भाई और औरत के कसर रह गई यार और तो भाई मेरे हिसाब से तो इस ताकत आराम का नाम है इज्जत पीसा के सब कुछ दे दिया यार चार आदमी ने सब तो बड़ी बात तो यार मैं तो एक बात कहूं जड़ा चार आदमी राम राम कर देने ओड़े उस तो बड़ी इज्जत कुछ नहीं ठीक है अपने गांव में जाओ है मैं चौक पर 20 आदमी मेरे बाप की उम्र के वे भी का पहलवान राम राम और के चाहिए भाई फिर उसमें दिल को अलग सा फीलिंग हो और इससे ज्यादा फीलिंग बड़ी फीलिंग तो मैं तो नहीं मानता भाई देख अपनी लाइफ ऑन दी भी नहीं पहलो नहीं जब ओड बड़ी उम्र का आदमी कोई मेरा राम राम करता है तो मैं अपने जान में सबसे बड़ी खुशी मानू मेरे परिवार ने जितना मेरा साथ दिया आज भी दे रहे मेरी वाइफ है पूरा साथ दे मेरा खान पीन का डाइट का सब कहेगा प्रैक्टिस कहूगी जा प्रैक्टिस कैंप में जा प्रैक्टिस कर कोई दिक्कत नहीं घर के ना पूरा फुल सपोर्ट है मेरे कन में बाकी कोई तो गांव में किसा प्यार मिल रही हाज के गांव में पूरी फुल इज्जत है अपने गांव में कोई हो नहीं गांव में मैं रहा गाटे हूं खिलाड़ी भी नए तैयार हो रहे हैं पलो हां नए बालक भाई दो पांच सात बालक और तैयार हो गए हैं दो तीन तीन मिनी खेल रहे हैं दो तीन और बालक कैचर तैयार हो रहे हैं इब के खेल रहे भाई हाँ नए बालक की तैयारी कराओ है जो हमारी काम में करा कर दो कराओ भी इबका ऊपर मैं खेलोगे हरियाणा में टीम ने ले हाँ हाँ हरियाणा में इबका 100% मैच खेलना इबका मैं अच्छा हाँ पूरी दिल की इच्छा इबका हरियाणा में खेलने की हाँ क्योंकि पहलवान थोड़ा हरियाणा में भी ना कई साल हो गए यार इबका मेरे घर कहते भी टेंशन फ्री होगी सब कुछ हो गया भगवान बढ़िया बालक बच्चा दे सारा कुछ टेंशन फ्री लाइफ होगी कोई दिक्कत नहीं इब तो घर के उन्हें भाई जीतरा जी करा खेलो कोई चक्कर नहीं बाकी फेडरेशन के मैच खेले जाऊंगे भाई ऐसे ऐसा बना खेले मैच फेडरेशन के खेलने जरूरी है क्यों बाहर भीतर जाना भाई फेडरेशन के मैच खेलने बहुत जरूरी है बिल्कुल सर क्यों उन फेडरेशन के मैच में देखा है प्लेयर ने जाते तो पढ़ाई कहाँ तक करी पढ़ाई भाई प्लस टू करी प्लस टू हाँ कबड्डी की साइड कैसे फिर आपने कुश्ती की साइड कैसे गई फिर कबड्डी की साइड कैसे आई मतलब कुश्ती में मेरे घर क्या मैं शुरू में मेरे पापा भाई मैं छोटा था जीवे गुजर गया था वैसे तो मैं 4 साल का था पर मेरे पापा की ख्वाहिश थी हमारे घर क्या वो मेरा बेटा पहलवान बने खून में भी कबड्डी हाँ हाँ तो फिर उसके बाद भाई मैं मेरे घर क्या ना बड़ा भाई है मेरा 9 साल बड़ा 8-9 साल बड़ा उसने भाई कया खाड़े में चलिया जा अकेडमी रन लाए गया और निडानी छोड़ दिया था फिर उसके बाद भाई फिर गांव में आए गए थे गांव में कबड्डी खेल आते नए नए बालक सारे आन गए थे हमारे सारे में फिर मैं बहुत गए कबड्डी खेलने लगे थे लगातार से हाँ खेलनी कब शुरू करी थी कौन सा सन में शुरू कबड्डी करीब खेलनी 2007 में 2007 में करीब तो ओपने तो आए होगे सर आप तो हाँ ओपन भाई क्विंटल वजन था जिस टाइम कबड्डी खेलनी शुरू करी तो ओपन में आज तक क्या क्या इनाम जीते हैं मैं ओपन में इनाम में जीत गए 15-16 मोटरसाइकिल भी जीती है एक 2012 में मैंने बुलेट का सम्मान हुआ था मैं उसके बाद फिर LCDB भी इनाम कई जीते तो पहली बाइक कहाँ पर जीती है पहली बाइक 2012 में जीती थी मैंने किधर पहले मैंने 2012 में जीती फुल्लाड़ा अच्छा हाँ भाई फुल्लाड़ा पहली बाइक जीती थी
तो फिर उस मैच में के प्रदर्शन था, बढ़िया प्रदर्शन था भाई हमें हमारा, किस गल्ला फाइनल था, किसकी टीम में आप खेल रहे थे, सारी जानकारी। फाइनल मैच तो फाइनल था भाई अकेडमी के मैच थे शायद उस टाइम था 2012 में। फिर उसके बाद मैं जलाल आड़ है सिलगाम है बलबेड़ में खेल रहा था मैं, फिर ओड़ा जीते स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आज भी मेरे दो है। तो 2014 की बात है शायद में बलबेड़ में खेले थे हम, खेलने तो और कड़ी जाऊँ थे, फिर मैं टाइम मोटरसाइकिल आप खेल लाएंगे उस दिन भगवान ने कुआ रखी थी, बस भाग में थी उस दिन सारे टूर्नामेंट में मेरा एक फाइनल में एक कश थी बस। अच्छा हाँ, तो वेट कितना रहा आपका? वेट तो भाई क्विंटल दस शुरू कराया था, ईबीबी है 127-128 किलो जन है। तो जैसे आपने बताया फाइनल में एक कैच थी, वो किसके साथ मैच था? मारा जंगियाने के लिए फाइनल मैच था भाई, कड़ा गुरप्रीत जंगियाने के लिए मैच था, सिल मैच था, सिल्ला पटियाला में पड़ा है, स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। आज भी उस बाइक ना आप ले, आज भी है मेरे दोस्त, आज भी वो न्यू खड़ी है, चल यादगार है। अब वो मिखलता है 2012 में बुलेट सनमान मिली थी, वो भी आज भी है, स्प्लेंडर भी आज भी है, 3-4 हजार आज लग गए। अच्छा न्यू खड़ी है, खड़ी है बस शौक की खड़ी है, शौक खातर खड़ी है अपने अपने दिल की इच्छा को बेचदा निकल दे। तो और बाइक पहले ना, और बाइक में बेच दी सारे अपना न्यू बेच दे। अच्छा हाँ, तो गुरु कौन रहे आपके? भाई मेरे गुरु जो गांव में हमने शुरू खिलाने लग गए थे वो जसमेर था देसवाल, बाकी जो मेरा कोच है आज भी है, वो मेरा कोच भी है, मेरा बाप भी है, सब कुछ हो मेरा लाइफ में उस आदमी ने बनाई मेरी, उसका नाम है लवजीत बुट्टर, उसने पप्पी फुलाल कह दें, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है हाँ, जीरकपुर रहा कर दिया। तो पहलवान जी आप गांव की टीम तक शुरुआत करी थी? हाँ गांव की टीम तक कती शुरुआत, गांव की टीम तक करी थी भाई, उस टाइम पर हमारे गांव में टीम बहुत नहीं नहीं बड़ा थे, पूरी बढ़िया टीम होगी थी हमारी। आज का टाइम गांव की टीम में खेलो बाहर की टीम में? ये तो मैं बाहर ही खेलूँ, गाँव में तो मैं कई साल हो गए होंगे, मैं खेलता है 6-7 साल हो गए होंगे गाँव में खेले। अच्छा पहलवान, तो आज किस टीम में खेलना पसंद करो? भाई तो न्यू है शोरूम खेलना तो न्यू है काला है रिकट डाला भाई, इसके लिए अपना बढ़िया लाड प्यार है बोपरिया प्रवीण है रिंकुर है भाई, इकट्ठे खेला जाऊँ हम कोई भी टीम कोई सी बना लें बस इकट्ठे ही खेल, हम दताल में भी खेल लूँ मैं सारे में खेल लूँ। जब मैच फंस गया पहलो ने लोबा मैच फंस रहा है, एक आप रेडर हो एक दूसरा रेडर गला कौन सा गला खेलना बेस्ट समझोगे, मतलब कौन सा गला नू? भाई मैं ज़्यादातर मैर प्रवीण गणे मैच खेल रहे हैं भोपरी हाँ। अच्छा नजर अनगिनते मैच खेल रहे हैं इकट्ठे। अच्छा हाँ इसे गला मतलब खेलना पसंद है? हाँ भाई इकट्ठे हमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझे हैं, जो मैं किसी भी पब जो किसी ने न्यू नहीं मेरा बाटन देंगे, एक दूसरे रेड कौन सा मारा का ऐ कैखा में मारा इशारा हो जाए, क्यों पंजाब में तो खुली रेड हो भाई अपना नहीं सारे हाँ, कोई सा मारे हम कट्ठे गणे खेले हैं। विरोध में कौन सी टीम होनी चाहिए नुका घंटे की टक्कर का मैच लग गए भाई? कोई भी हो विरोध दुश्मन तो कोई माड़ा नहीं ना, ठीक है आज के आज के टाइम में भाई हाँ आज के टाइम पर आज के टाइम में देखे कोई सारी ये टीम तकड़ी है। हाँ सही भी है, कोई भी माड़न ला सकते अपन है, क्यों सारे बालक मेहनत करें फिर भी जुगर पहलो नो नहीं जाग रहा, जुगर आज के टाइम पल लागी खुशी की रेस भी मारिया करते भाई, दंड भी बहुत मारा करते, सपाटे कती जमाने तसली कराया करता भाई कोच मेरी। अच्छा हाँ क्यों भारी शरीर भी होया करता नु सोचा करता घट जाएगा ना, वजन नहीं मैंने कदे घटाने की सोची भाई। अच्छा ना वजन कितना हो जाए कोई चक्कर नहीं, वजन कितना हो आदमी मेहनत रखो शरीर में फिट हो तंग ना हो आदमी मेहनत रखो कोई दिक्कत नहीं होती, आज भी कोई दिक्कत नहीं हम तो भाई न्यू प्रैक्टिस भी करें सारा कुछ करें कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा तो एक
डाइट के लिया करते पहले? डाइट तो भैया अपनी देसी को भैया बादाम पी लिया करते, भाई दूध दही रोटी सब्जी भाई फ्रूट हो जा रहे भाई ड्राई फ्रूट खा लिया करते। प्रोटीन प्रोटीन तो भाई सरों में देखे कदे लिया नहीं। फिर मैं 2013 की बात 14 की बात है जब प्रोटीन लेना मैंने शुरू करा 14 था। फिर वह भी कदे जो हाँ बस रिकवरी करता वह भी कदे दिल करा तो ले लिया नहीं कोई जरूरी बिंदा। हाँ पर आज का टाइम के मेहनत कर रहे हो पहलू ना? आज भी मेहनत अपनी पर रेज राज कर ले हैं। आज इबे अपना शुरू कर दी है छोर बड़ा घर बिजी था मैं। फिर अपना भाई प्रैक्टिस तो शुरू कर दी। अच्छा सोशल नेटवर्क यूज करो फेसबुक इंस्टा? हाँ भाई सारा कुछ करें कोई दिक्कत नहीं। एक बार आई डी बता दे पहलू जो आपके फैन होंगे मैं आप तक संपर्क बना लेंगे। आई डी भाई मेरी रवि देसवाल के नाम तो फेसबुक पर आई डी है और रवि देसवाल के नाम पर इंस्टाग्राम पर आई डी मेरी। कुछ नहीं कह सकते देखो कोई बेरा नहीं। विदेश पहलवान के टूर खेले हो कदे गए हो? विदेश में 2012 में जाना शुरू हुआ था। 2012 में खेल का आया दुबई सार जाकर पे 13 में कौन खेलिया मैं 14 में मैं लीग खेल लिया जो 1 करोड़ वाली हुई थी शुरू वाली लीग हुई थी। फिर मैं इंग्लैंड खेल का आया। फिर 15 में कनेडा अमेरिका खेलिया। 16 में कनेडा अमेरिका खेलिया। 17 में खेलिया भाई 18 में खेलिया। फिर 19-20 करोना वाला सिस्टम हो गया। हाँ मैं लगातार भाई कोरोना वाला चक्कर करके गए नहीं। 10 साल का वीजा लग रहा पहले? हाँ भाई 10 साल का मेरे तो। कौन सा? कनाडा अमेरिका का भी कनाडा का दन 10 साल के भी। फिर उड़ा राय भी सीखो ये कैसे लगा पहले कुकर हो अगर 10 साल का वीजा एक नहीं यू भाई एक स्पोर्ट्स वीजा भी है कायदा इसने एक टूरिस्ट वीजा भी कायदा इसने दन हो जाए इसमें अपन 6 महीने रह सका पड़ा। अच्छा हाँ जैकी में काम हो चाहे ना हो हाँ पीछे कमा होगा देखो ये तो अपनी मेहनत का कोई कमा लो मतलब 10 साल का आपका यूएसए का 10 साल के बाद फिर दोबारा मल्टी रिन्यू हो जाएगा अगर करवाना चाहो तो। हाँ हाँ मैं देखूंगा फैमिली लेकर चले जाऊँगा बहरे चले जाऊँ फैमिली की मेरी प्लानिंग है। अच्छा अच्छा हाँ मैं अमेरिका जाने की मेरी तैयारी है। अच्छा कोरोना नहीं होता तो लगे अमरीका ही होंगे। तो अरे की जिंदगी में यादगार खुशी का दिन भी होता है कबड्डी की ओर तो कबड्डी में किस दिन खुश हुए थे? भाई मैं कबड्डी में अपनी याद मैं 2010 में 9-10 की बात है जलालपुर मैच थे। हाँ, ना और पानीपत दौरा जलालपुर है ओड़ा मैच थे प्योर पंचायत के भाई अरे मैं गांव की टीम में खेल रही थी उस टाइम पर गांव की में खेल लिया थे भाई। मैं सारी टूर्नामेंट नॉन स्टॉप था। हाँ उस दिन मैंने बहुत खुशी हुई थी भाई सारी टूर्नामेंट पूरी टूर्नामेंट की टूर्नामेंट नॉन स्टॉप था। जब वजन कितना था? जब भी क्वांटल ले वजन था भाई क्वांटल ले था। हाँ ना आज 128 किलो वजन है 128। हाँ भाई तो आज तो लुद्र तो भी ज्यादा हो रहा है पहले। हाँ भाई होगा जरूर होगा। हाँ लुद्र में कितना है आप फिर तो भाई के भी अब कितना थे मतलब पूछा नहीं जान दे फिर भी नहीं है मैं तो कम है इस टाइम कम है। हाँ इस टाइम थोड़ा आज मतलब हरियाणा का सबसे भारी खिलाड़ी आपको बोल सका? हाँ कुछ भी हिला ले मतलब ठीक है जो वैसे। तो कबड्डी का थोड़ा निराशजनक मैच भी रहा होगा पहलवान जब खुशी भी आवे देखो निराश भी हो निराश भी हो भाई कड़े पहलवान थोड़ा बताओ मैच की निराश की सुन ले मैं लख हुआ मैच खेलना थे भाई ये तो भी की बात है थोड़े दिन पहले की बात है 2018-19 की बात शायद फरमाने में खेलना थे मैं कृष्ण सिंह कड़ा दो रन थे अरे कंटिन्यू पूरी तगड़ी टीम बनी थी उस टाइम पे बिच्छू बच्छू सारे फिट थे हो रहे थे वीरेंद्र भी आम भी अपने जाना पूरे फिट थे भाई कति मैं जगह जीरकपुर तमन जाए गाड़ी रोकी थी मैं जीरकपुर रहा करता मैं 9-10 साल जीरकपुर रहा हूँ
तो मेरे को जे मैच बोल पड़ा भाई, मैं बोल यार मैं मैच उस सर के लिए हमारा मैच था भाई, आज यूट्यूब पे पड़ा हो मलिंगा उस सर। हाँ तो मैं वे बोले पहले मैच बोल गया, हमारा किसी की टीम है। बोले बालक के हैं, मैं बोले भाई बालक हैं, मका मैं दिव्या मैं मेरे पास थक रहा मैं घंटा तो मुझे पीछे करा ले मैच मुड़ा। हाँ यार 4 घंटे गाड़ी चलाएगा केला आपे गाड़ी चलाएगा या मैं फिर थोड़ा फिर थोड़ा थकावट हो जाए पर तो नहीं बोला ना तू एक दो रेड मार ली बाकी है विकास अभी था कि 3 रेडर थे छोर थे टीम सारे थे कदी टोटली भाई। अच्छा तो मगा ठीक है चलो भाई मैं चले गए खेलने लगे मैच भाई। हम रेफरी तो बोले भाई छोटा मैच कर दे, रेफरी बोला ठीक है 8 नंबर आगे लीड ले लो छोटा मैच जो खत्म कर दू। हाँ मैं भाई ठीक है मैं 2-3 कच मेरा मार गए में 2-3 कच कृष्ण का मार गए। अच्छा हाँ अरे 8 की लीड तो मैं जीत गए मारता है मलिंगा। हाँ और भैन चो मैं गल आया लवे अपने तो के घनी दूर है गांव तो सारा गांव जा रहा था। हाँ तो मैं माँ भाई लवे करा दिया था उन्हें तो काम मारा था माँ भाई। हाँ मेरा भाई आज भी उस मैच ने घनी भी कहता है बड़ा अगर मैं तो 10 बार देख लिया यूट्यूब पे तो हम जीते दे नहीं हो मैच बताओ कटता जीतता जीव एक बार हार लिया मैं तो मतलब यो भी मैच याद दे हो भी भाई। अच्छा सारा काम हो जा रहा था हमारा बड़ा। तो कौन सी टीम में थे मतलब के फरमाने में खेला थे हम फरमाने की टीम। हाँ उस सर के लिए मैच था हमारा उस दिन उस सर ने फिर किए था घनी टीम आई है तगड़ी तगड़ी उनका लक ला लो कुछ भी ला लो घनी टीम रही। उस दिन खतरी का भी चोट लगी हो मलिंगा ना 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 वो तो बाद की बात है उस तो पहले की बात है। अच्छा नया हाई खेलने लगा था जी भी मलिंगा मलंगा हार नहीं थी तो निराशजनक मैच रहा। हाँ वो अपने उसमें सबसे ज्यादा होगा मतलब वो दुखी होगा वो मतलब न्यू दुखी है भाई सारा गांव है भाई आज अगर तगड़ा खेलने के मुंडे में थे वैसे दूर तो छोरा जीत का गुआंड में हार गया गुआंड में हार गया वैसे ये दुख था वैसे मगर मैं काका भी जा रहा था हमारे घर के भी थे भाई बाकी बात कर रहा था अगर बिछोर की रिश्तेदारी भी थी उड़ा भाई। अच्छा अच्छा हाँ कई काम थे रिश्तेदारी में खेडा ही। हाँ तो शादी कद होगी पहले शादी भाई मेरी हुई 2018 19 में भाई। अच्छा पहले हाँ तो ये भी एक लड़का हो गया। हाँ ये भाई 3 महीने का होया है 24 तारीख 3 महीने का हो गया लड़का भी। तो फेडरेशन का मैच में पहली बार ही फिर हाँ फेडरेशन में खेले थे शुरू में मैं फेडरेशन के मैच जीरकपुर फेडरेशन में खेल नॉर्थ फेडरेशन में खेले जीरकपुर की टीम में फेडरेशन का मैच में खुश कर दिए हो थे पहले भाई फेडरेशन के मैच में तो तगड़े कई बार खेले भाई। अच्छा हाँ खुश हैं कोई हरियाणा पंजाब का मैच पहले ने हरियाणा पंजाब का मैच भाई मैं घट खेले मैं खेले नहीं एक दो एक आधा ही खेल आऊँगा बस मैं इतना कोई यादगार मैच है हरियाणा पंजाब में घट ही खेलिया मैं इतना खेलिया नहीं मैं ज़्यादातर जो अकेडमिया के पंचायती जोरिए मैं ज़्यादा खेल तो पहलवान हरियाणा की पब्लिक एक मांग करे रवि मतलोडा आगे सीजन में हरियाणा में भी खेले क्योंकि आप हरियाणा तक भी हो बिलोंग भी करो हरियाणा ना भाई खेला है पूरी हो है भगवान ने शुक्र रखे नहीं हरियाणा में खेला है। अच्छा पूरी हो हमारी पब्लिक भी मांग करे जा अपना एरिया का जा अपना एरिया में नहीं ना इबका भाई पूरी हो है भगवान ने शुक्र रखी ना इबका हरियाणा में पक्के खेला इबका भाई गांव की टीम बना करेंगे तकरीबन जीत ले कोशिश होगी 2-3 बालक हमारे बढ़िया हैं। हां सलीम हो गया सलीम है रेडर राहुल है वो छोटे का ऑपरेशन हो गया बड़ा वो भी ठीक हो जाएगा इतना भाई। अच्छा हां भाई तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर थैंक यू भाई साहब का अपना राहुल कबड्डी चैनल पर आए राम राम भाई सारे भाइयों ने धन्यवाद धन्यवाद जी ठीक है।